लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर चल रही रार आखिरकार खत्म हो चुकी है। विधायक दल की बैठक संपन्न हो चुकी है और एक बार फिर से पहाड़ की कमान पुष्कर सिंह धामी को दी गई है। केंद्र रक्षा मंत्री व उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भाजपा कार्यालय पहुंचे। वह ऑब्जर्वर मीनाक्षी लेखी के साथ नई दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे। राजनाथ सिंह के देहरादून पहुंचते ही सियासी हलचल तेज हो गई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों का प्रदेश कार्यालय में तांता लग गया था। भाजपा विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि भाजपा विधायक दल नेता के तौर पर धामी का चयन हुआ है। भले ही पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट खटीमा से हारे हो, लेकिन शायद भाजपा को उनसे भरोसेमंद कोई और दूसरा राजनेता नहीं मिला होगा, इसी कारण उन्होंने फिर धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। धामी के सीएम बनने से जनता में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कार्यकर्ताओं ने धामी के नाम की औपचारिक घोषणा होने के बाद ढोल बजाकर नाचना शुरू कर दिया है। धामी के हारने से भाजपा में सीएम को लेकर काफी माथापच्ची करने के बाद जनहित की भावनाओं को सरोपरि एवं धामी पर ही भरोसा जताते हुए फिर से धामी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। आपको बता दें कि सीएम धामी का अपने नए मंत्रिमंडल के साथ 23 मार्च को शपथ ग्रहण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।